आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कीटों की घटती संख्या किस ओर इशारा कर रही है। ये एक्चुअली में हमारे विनाश का संकेत है। जर्मनी के 63 नेचर रिजर्वों की कीट पतंगों की गिनती की गई। जांच में जो तस्वीर आई वो डरावनी थी। 1989 से अब तक जर्मनी में 3/4 उड़ने वाले जो कीट हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उड़ने वाले कीटों की बहुत कम संख्या से पूरा जैव विविधता तंत्र खत्म हो सकता है। हॉलैंड के राडबोर्ड यूनिवर्सिटी के लीड रिसर्चर्स हंस डी क्रून कहते हैं कि इतने बड़े इलाके में उड़ने वाले कीटों की इतनी तेजी से घटती संख्या बहुत ही चेतावनी भरी खोज है। तितली और मधुमक्खियों समेत उड़ने वाले सारे कीट पौधे के परागण में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है हर चीज़ का अपना एक मत है। सपोज इंसान नहीं हो तो इंसान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप सोचो क्या होगा। पेड़ पौधे मतलब ये बेसिक पूरा का पूरा जंगल हो जाएगा, पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, चारों तरफ पानी पानी होंगे, जानवरों की संख्या जो बढ़ती चली जाएगी, किसी भी एक चीज़ की जनसंख्या बढ़ जाए, हाथियों की जनसंख्या बढ़ जाए तो सोचो क्या होगा, घट जाए तो सोचो क्या होगा। तो ये जो परागण होता है तो परागण की वजह से फल और सब्जियां पैदा होते हैं। कीटों की गिरती संख्या कर सीधा उसका जो असर है सीधा पंछियों पर पड़ेगा। कई पंछी इन्हीं कीटों को खाते हैं और इस तरह विनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। हंस डी क्रून के मुताबिक पूरा इकोसिस्टम खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निर्भर है। इनकी वजह से कीट खाने वाले पंछियों की संख्या घटेगी और अंत में स्तनधारियों तक इसका असर पड़ेगा। अभी ये सारे संरक्षित जो इलाके रखे गए हैं और ज्यादातर पूरी तरह से प्राकृतिक रिजर्व थे जहां पे पूरा शोध किया गया, इसके बावजूद ये नाटकीय गिरावट सामने आई है। तो वैज्ञानिकों को आशंका है कि ऐसा कीटनाशकों की वजह से हुआ है। हंस डी क्रून के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बड़े हिस्सों में तितलियां बड़ी संख्या से गायब हो चुकी है। देखिए, प्रकृति में अक्षय ऊर्जा के कई स्रोत मौजूद हैं। पेड़ पौधे के शौकीन लोग सूरजमुखी को सुंदरता और तेल के लिए जानते हैं, अब उसको ही खत्म कर दो, सुंदरता खत्म होगी, सूरजमुखी का भी अपना एक अहमियत है, उससे तेल बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, बायोडीजल बनाने में उसकी मदद मिलता है। तो हर चीज का अपना एक फायदा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने कीट पतंगों को खत्म कर दिया कीटनाशकों द्वारा तो सीधा सीधा असर हमारे प्रकृति पे पड़ेगा, हम विनाश की ओर जा रहे होंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।